संजय जी, आज तीसरी बार आप भी अन्ना आंदोलन से जुड़े हैं और इसी मैदान से अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक सफर शुरू हुआ था और सोचा भी ये मैदान हम लोगों के लिए बहुत ऐतिहासिक रहा है। कई मायनों में यहीं पर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू हुआ, इसी आंदोलन के कोख से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और आज आम आदमी पार्टी की ये विजय लोकतंत्र की एक महाजीत है, एक महाविजय है जो ये साबित करती है कि काम के नाम पर भी हिंदुस्तान में राजनीति हो सकती है, जो ये साबित करती है कि बुनियादी मुद्दों पे अगर आप काम करेंगे तो जनता आपको अपना आशीर्वाद और स्नेह देगी। मैं समझता हूँ देश की राजनीति में एक बड़ा संदेश देश की राजधानी दिल्ली से गया है। एक सवाल अरविंद केजरीवाल और आप भी कई ऐसे मंचों पर शरीक हुए थे एंटी बीजेपी मोर्चा जो बनाने के बाद कई स्टेटों में जाकर के, लेकिन इस मंच पर बाकी पार्टियों के नेता क्यों नदार थे, क्यों इनको इनवाइट नहीं? हमने हमेशा शपथ ग्रहण समारोह ऐसा ही किया, 13 और 15 का भी याद किया। दिल्ली का मॉडल ये देश की जनता तय करेगी। जब मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने चुनकर राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया, 27 साल का था जब मुझे पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना दिया, 30 साल का था जब मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया, कोई व्यक्ति नहीं इतने युवाओं में इतना विश्वास जताता है। अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे कि पोस्टर लगाओ, दरी बिछाओ तो हम वो काम करेंगे, वो जनता के बीच जाकर सेवा करने का मौका देंगे हम वो काम करेंगे, हमारे नेता हैं, परिवार के मुखिया हैं, उनके जो भी निर्देश होंगे वो सर माथे पर हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं पहली बार चुनकर आया हूँ, जनता की सेवा करने की जिम्मेदारी मैं इसी को संभाल लूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। आखिरी सवाल, महिला मंत्री क्यों नहीं? पिछली बार भी कोई महिला मंत्री नहीं थी, इस बार भी नहीं, काफी महिलाएं चुनाव जीत करके आई है और महिला सशक्तिकरण की बात। केवल मंत्री बनाने से ही अगर ऐसा हो जाए तो ये बात ये सिंबलिज्म है, टोकनिज्म है। बात यह है कि इस बार सबसे ज्यादा महिलाएं दिल्ली विधानसभा में चुनकर आई हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में। 60-70% महिलाओं ने केवल आम आदमी पार्टी को वोट दिया, ये भी सच्चाई है। बिल्कुल, धन्यवाद। ये थे राघव जिनका कहना साफ।